लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की एक आशा है। बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। राज, ये पेपर मेरे लिए जल्दी से टाइप कर दो प्लीज। वाकई गंगाधर जी, मान गए आपको, शब्दों का क्या इस्तेमाल किया आपने। देखना, पढ़ने के बाद लोग यही कहेंगे कि न्यूज लिखने वाला कोई रिपोर्टर ही नहीं, साहित्यकार भी है, और उस पर न्यूज की विषय वस्तु से सनसनी फैलाएगी। आहा, अब वो क्या है, एक बूंद अमृत जी। एक बूंद अमृत? अरे भाई, मेरा नाम तो सुधांशु है। हाँ, वही सुधांशु, अर्थात सुधा के अंश वाला। सुधा यानी अमृत, अंश यानी भाग, छोटा सा भाग, यानी के हुए ना आप एक बूंद अमृत जी। वाह, मान गए गंगाधर, बहुत ज्ञानी हो, वरना मुझे तो आज तक अपने नाम का मतलब ही नहीं मालूम था। जरूर तरक्की करोगे गंगाधर। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हम स्वयं अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना नहीं चाहते, वरना लोग कहेंगे कि देखो गंगाधर स्वयं अपने मुंह में यहां मुट्ठू बन रहा है। परंतु जो सत्य है वो तो कहना ही पड़ता है, और सत्य ये है कि वास्तव में हमने बहुत गहन साहित्य साधना की है। हाँ, की होगी, आप बहुत ज्ञानी आदमी हो ना। परंतु व्यर्थ गई हमारी साधना। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हिंदी दैनिक में कार्य करने हेतु चले आते हैं जिन्हें स्वयं हिंदी ही नहीं आती। मैडम जी, पानी। पागल हो गए हो? गर्म पानी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ मैडम जी, डॉक्टर कहता है अब ठीक है, लेकिन 2 साल पहले हम पागल खाने में थे। तो 2 साल और रहते तो कोई हर्ज था? अरे नहीं नहीं मैडम जी, हमारी तो बहुत इच्छा थी वहां रहने की। हाँ, लेकिन डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी। हमसे बोले कि किसी अखबार के ऑफिस में जाके काम करो तो एकदम ठीक हो जाओगे, बाकी लोगों के जैसा। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ रहकर बाकी लोगों को भी अपने जैसा बना दोगे। अब जाओ, पानी लेकर आओ, ठंडा, समझे? अरे मतलब मैडम जी, फ्रीज से ला के दें, चिल्ड वाटर। कंग्रेचुलेशन।
सॉल्यूशन वो हम आपको कहां से दे देंगे, वो तो हमारे पास है ही नहीं, बल्कि हमें तो कभी उसकी आवश्यकता ही नहीं हुई। जी हाँ। ओहो गंगाधर जी, तुम तो बड़े भोले हो। पंचर जोड़ने वाला सॉल्यूशन नहीं, दिलों को जोड़ने वाला कांग्रेचुलेशन, आई मीन टू से बधाई। बधाई बधाई, थैंक यू थैंक यू। बाय द वे, तुमने तो बाजी जीत ली फोटोग्राफर से रिपोर्टर बनकर। लीजिए मैडम जी, चिल्ड वाटर। पागलाल, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है। अब क्या हो गया मैडम जी, बार बार गर्म पानी क्यों लाकर दे रहे हो? अरे मैडम जी, लेकिन हम तो फ्रिज से लाके दे रहे हैं चिल्ड वाटर। बकवास बनकर, अगर फ्रिज से पानी लाते हो तो क्या वो रास्ते में गर्म हो जाता है और वो भी एकदम उबला हुआ? मैडम जी हम तो वहां से। शरफ, कम ऑन, क्या इस तरह डांट रही हो? फ्रिज से निकलने के बाद पानी थोड़ा गर्म तो हो ही जाता है। ये तो बिल्कुल ठंडा है, टेक अ सिप। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हालत बना रखी है तुमने? ऐसा अक्सर तब होता है देवी, जब मानसिक अवस्था संतुलित नहीं होती। अरे गीता, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारा शक्तिमान डर के भाग गया। शक्तिमान भाग गया सर? हाँ, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, थोड़ी देर पहले शक्तिमान और कपाला के बीच में फाइट हुई, जहां पे शक्तिमान कपाला से डर के भाग गया, और ये खबर लाने वाला है गंगाधर। गंगाधर लाया? हाँ, तुम जिसे बेवकूफ समझते हो ना, वो वाकई में एक जीनियस है, और इसके साथ तुम्हारा दावा भी झूठ होता है कि शक्तिमान के बारे में स्पेशल खबर सिर्फ तुम ला सकती हो। सर, सही खबर सिर्फ मैं ही ला सकती हूँ, और गंगाधर की लाई खबर पर विश्वास करना तो सरासर बेवकूफी होगी। नहीं गीता, तुम्हारा भ्रम है, शक्तिमान कपाला से डर के भाग गया, और कपाला ने धमकी दी है कि शक्तिमान उसे नहीं मिलता तो शाम तक शहर में बहुत बड़ी तबाही ला देगा, और ये खबर सबसे पहले लाया है गंगाधर, और इसी के नाम से छपेगी। ओके। लेकिन सर, और अब तक तो इस बात का पता शायद पूरी दुनिया को हो चुका होगा, पूरे शहर में आतंक फैला हुआ है, और तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं, तो फिर शक्तिमान की कौन सी खास न्यूज तुम ला सकते हो? सर, शक्तिमान के बारे में मैं भी जानती हूँ। क्या? यही कि शक्तिमान भागा नहीं है, बल्कि ये उसकी चाल है। ये बात स्वयं आपसे शक्तिमान ने कही है देवी जी। गंगाधर जी, शक्तिमान के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं उसके कहे बिना भी जान सकती हूँ, इसलिए इस रिपोर्ट को रोकिए सर, इस हादसे की रिपोर्ट मैं बनाऊंगी। ये हमारे साथ शत प्रतिशत अन्याय है देवी जी, ऐसा कहकर आप हमारे हृदय पर कुठारा घात कर रही हैं। ये हमारे जीवन की पहली उपलब्धि है, प्रथम पुष्प है, जिसे हम अपने ही नाम से पल्लवित होने देंगे महोदय जी। गंगाधर ठीक कह रहा है, और गीता तुम्हारे ढंग से न्यूज बना लो, लेकिन ये न्यूज में गंगाधर का नाम जरूर आएगा, क्योंकि इस वक्त हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि शक्तिमान कौन है, वो कहां रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कपाला से डर के भाग क्यों गया, कपाला के साथ उसकी क्या दुश्मनी है। शक्तिमान कौन है ये मैं जान चुकी हूँ सर, और बहुत जल्द मैं सारी बातें आपको बता दूंगी, चलती हूँ। कहाँ? शक्तिमान के पास, क्योंकि इस वक्त मैं जानती हूँ कि वो कहाँ होंगे। आप कहाँ चल रहे हैं? आपके साथ। आपको मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है गंगाधर जी, क्योंकि शक्तिमान की न्यूज में मैं आपको कोई क्रेडिट नहीं देने वाली हूँ। जैसी आपकी इच्छा देवी जी, हम तो केवल आपकी सहायता करना चाह रहे थे। थैंक यू, लेकिन मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, समझे? थैंक यू सर। रोकिए संपादक महोदय जी, रोकिए इन्हें। यदि कपाला को शक्तिमान की तलाश है तो उसकी दृष्टि शक्तिमान की खबरें लाने वाले पर अवश्य होगी, हमें तो भय है कि कपाला कहीं देवी जी का अपहरण ही न कर ले। रोकिए इन्हें, रोकिए, ये तो अपने प्राणों को संकट में डाल देगी। गंगाधर, गीता बहुत जिद्दी है, वैसे नहीं मानेगी, लेकिन तुम उसे बिना बताए उसके पीछे लगे रहो, लेकिन होशियारी से, क्योंकि शक्तिमान की न्यूज मुझे जल्दी चाहिए। जैसा आदेश महोदय। लोगों का इस तरह डरना ठीक नहीं है, उन्हें पुलिस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन सर, उन्हें झूठा विश्वास दिलाना भी गलत होगा, भला हम कपाला की जादुई शक्तियों के आगे क्या कर पाएंगे? उसकी शर्त है, अगर शाम तक शक्तिमान नहीं आए तो वो तबाही मचा देगा। तभी ढूंढो शक्तिमान को,
ये बीमारी उसी की पैदा की हुई है। लेकिन सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आज शाम तक तुम्हें शक्तिमान को ढूंढ कर लाना है, समझे? और हाँ, आज शाम को टाउन हॉल में सिटीजन काउंसिल की मीटिंग है, वहां काफी पुलिस फोर्स लगेगी, अगर वहां कोई गड़बड़ हुई तो समझो तुम्हारी नौकरी गई, अंडरस्टैंड? वो रे वो टैक्सी, टैक्सी। अब देख कपाला का कमाल। अब आएगा मजा। टैक्सी। आज की आवाज जाना है ना मैडम? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? हमें सब पता है मैडम, आप वही गीता विश्वास है ना जो शक्तिमान की न्यूज लाती हैं? हाँ। फिर कहाँ है शक्तिमान, आपको तो पता ही होगा। नहीं। छोड़िए मैडम, आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, लेकिन उससे एक बात जरूर कह दीजिएगा कि हम शहर के लोग उससे बहुत नाराज हैं, उसने बहुत गलत किया है। पहले खुद उसने हमारे अंदर विश्वास जगाया और आज जब मुसीबत आई तो भाग खड़ा हुआ। नहीं ऐसा मत बोलो, शक्तिमान मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है, ये तो उसकी चाल है और देखना कपाला को जरूर मारेगा वो। मुझे क्या मारेगा? मतलब आप उसकी चाल को जानती हैं? नहीं, उसकी चाल क्या है ये मैं नहीं जानती हूँ। अरे तुम चलते चलते स्लो क्यों हो गए, जल्दी चलो। ये अपनी चाल है मैडम। क्या? गाड़ी के नीचे आ गया क्या? नहीं, शायद पंक्चर हुई है। मगर चीख तो इंसान की थी। बोला ना मैडम, कोई नहीं था, पंक्चर हुआ है। मगर इंसान की चीखने की आवाज तो मैंने सुनी है। कपाला को लात मारा। सुना तुमने? नहीं तो, पुरानी टैक्सी है, जंग लगी हुई, शायद इसके कलपुर्जों की आवाज होगी। मैं दूसरी टैक्सी पकड़ लेती हूँ, ये लो टैक्सी। तुमने ये कपाला के हाथों का जो सत्यानाश हुआ, इसका क्या?
पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री बोल रहे हैं। कहिए जी, मिल गया जो हमें चाहिए था, वो मिल गया। मिल गया? कहीं शक्तिमान तो नहीं मिल गया? हाँ, पर परंतु आपको पूर्ण विश्वास है ना कि वो वहां पर होगा? हाँ तो ठीक है, हम पता लिखते। हाँ कहिए। आरकेपुरम है? अच्छा सुदामापुरम। हाँ सुदामापुरम तो हमारा देखा हुआ है। हाँ, उसके सामने वाली। अच्छा ठीक है ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। और लेकिन महाशय देखिए, ये बात किसी और को मत कहिएगा। हाँ क्या, चला जाएगा वो? अरे नहीं नहीं, हम ऐसी द्रुत गति से वहां पहुंचेंगे कि जैसे शक्तिमान पहुंचता है। हाँ कैसा लगा बाबा? अद्भुत अद्भुत, ऐसा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। किंतु इसकी दशा बहुत खराब लगती है ना? अरे टेम्पररी है जी। मेरा मतलब ये है कि हमेशा रहने वाली नहीं है। अरे उसका वो जो भ्रम फैला हुआ है ना, अरे वो चढ़िया कपाड़ा उसका भ्रम फैला हुआ है। अरे इतना अच्छा मकान जाके कबाड़ी की दुकान लगता है, बंदा लगता है। निसंदेह। अरे संडे नहीं बाबा, आज मंडे है। निसाई मंडे मंडे, संडे मंडे नहीं, निसंदेह निसंदेह गंदा लगता है। हाँ निसंदेह गंदा लगता है, लेकिन ये हमेशा रहने वाला नहीं है बाबा। अरे कपाड़ा का भड़म खत्म हुआ, अरे गंदगी दूर हुई और मकान चिकना चुपड़ा हो जाएगा निसाई। वो तो ठीक है महाशय, परंतु ये मकड़ी का जाला क्या ये भी भ्रम है? अरे नहीं बाबा, ये असली है। अरे यही तो इसका स्पेशलिटी है। अरे कितना ही मत छोड़ होने दो, अरे इसके अंदर आकर के फंस जाते हैं। नहीं बाबा अति उत्तम अति उत्तम। अच्छा महाशय, हमें तिलचट्टे बहुत पसंद है। कॉकरोच 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 वो भी होंगे? अरे बिंदास है ये बाबा, तुम सही टाइम पे सही जगह आ गए। अरे महाशय हम तो सदैव सही समय पर सही जगह उपलब्ध हो जाते। कॉकरोच, इतने सारे कॉकरोच। अरे सोचो बाबा, इतने सारे कॉकरोच नहीं होंगे तो छिपकली का पेड़ कैसा बढ़ेगा? सही छिपकली? छिपकली कहाँ छिपकली? अरे दिख तो नहीं रही छिपकली? अरे यही तो इसका स्पेशलिटी है, नहीं दिखना। छिपकली का मतलब छिपने वाली। परंतु बिछोलिया महोदय, बीच की दीवार के बीच की ईंट निकली हुई क्यों है? अरे ये भी स्पेशलिटी है। दीवार में खिड़की नहीं है ना, इसलिए हम ये ईंट निकाल के रखा है। पड़ोसी की खामोशी से बात सुनो, वो क्या बोल रहा है ध्यान लगा के सुनो। चाय की पत्ती उधार ले लो, अरे प्लेट तस्तरी कुछ भी ले चलाओ उससे। किंतु घर में कोई खिड़की भी रखी नहीं। अरे ये भी तो स्पेशलिटी है। अरे जास्ती करके चोर बीवी के बॉयफ्रेंड खिड़की के रास्ते अंदर आते हैं, इसलिए खिड़की रखी नहीं, ये हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा बिचोलिया महोदय, यहाँ जल आपूर्ति का अभाव तो नहीं? बारिश के पहले थोड़ी तकलीफ होती है बाबा, और बारिश में पानी 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 पानी। अति उत्तम अति उत्तम, यहाँ की विशेषताओं की क्या कहने। तो बाद में किसम सो।
हाँ ऐसा ही समझो। तो फिर निकालो 20+2+2। ये क्या हुआ जी? 20,000 एडवांस, 2,000 कमीशन, 2,000 एक महीने का एडवांस, 24,000 रुपया। वो तो ठीक है बिचौलिया महोदय, परंतु धन का किंचित अभाव है हमारे पास, कल तक हो जाएगा। ठीक है, कल 10 बजे तक 24,000 रुपए मेरे को दे देना, तभी एग्रीमेंट बनेगा। झूलेदार सुबह बाद 10 बजे तक पेमेंट हो जाना चाहिए। झूलेदार चल गंगाधर, हो जा शुरू। अरे बाबा गंगाधर, अरे ये चाबी गंगाधर सेठा, अरे ये मेरा घर, अरे कब्रिस्तान से बाबा चिकनी स्थान कैसे हो गया साईं? लगता है बिचौलिया महोदय कपाला ने दोबारा भ्रम डालकर इस घर को पुनः सुंदर बना दिया है। अरे कहाँ है दृढ़? कहाँ है वो? कौन? वही। अच्छा वो, आइए मेरे साथ। आइए, यही है वो। कौन? गणेश जी की सवारी मूषक महाराज। इडियट, बनाओ मत। वो कहाँ है जिसके बारे में फोन पर बातें की जा रही थी? किसके बारे में? शक्तिमान। शक्तिमान? ओ देवी जी, कदाचित आपको कोई भ्रम हुआ है। लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये जल तो प्रदूषित लगता है। हम दूसरा लाते हैं। यहाँ है। हमें तो श्रीमान बिचौलिया महोदय ने दूरध्वनि पर बताया कि एक अति उत्तम निवास स्थान मिला है, हाथ से निकल ना जाए, इसलिए हम दौड़ा दौड़े चले आए। ये लीजिए। हाँ ये भी प्रदूषित लगता है। कपाला पर पानी फेंकता है तो वाला भी उसकी मुंडी तोड़ देगा। शांत रहो कपाला, हमें शक्तिमान को ढूंढना है। किंतु देवी जी, आपने अपनी क्या दशा बना रखी है? ये लीजिए, ये भी प्रदूषित है। परंतु देवी जी, आप यहाँ तक पहुंची कैसे? प्रदूषित? इडियट। इडियट नहीं, वास्तव में प्रदूषित है। देखिए, फेंकने लायक है। तुमने शक्तिमान को ढूंढ लेने का दावा किया था या नहीं? हाँ किया तो था, परंतु देवी जी कहाँ हमारा सामर्थ्य कि हम शक्तिमान भैया को ढूंढ सके? हाँ कहाँ शक्तिमान और कहाँ हम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेरी? देखो, मैं तुमसे हार मानती हूँ, लेकिन अगर तुम उसका पता जानते हो मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे ये पूछना है कि वो कायरों की तरह पीठ दिखाकर क्यों भाग गया? क्या वो शाम तक आकर लोगों को तबाही से बचाएगा या नहीं? आप क्या चाहती हैं देवी? शक्तिमान स्वयं मृत्यु के मुख का ग्रास बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि शक्तिमान को कपाला नहीं मार सकता है, क्योंकि उसके साथ सच है। ये लोग जे के साथ क्या कर रहे हैं? आप ही ने कहा कि कपाला गीता विश्वास का पीछा करे। अगर कपाला उसके पीछे नहीं गया होता तो शक्तिमान को ढूंढकर जरूर खत्म कर देता। खैर अभी भी वक्त नहीं गया,
शक्तिमान आज तुम्हारे हाथों जरूर मरेगा। और अगर वो नहीं आया तो भी उसे मरा हुआ ही समझो। वो कहते अगर वो यहाँ आया तो कपाला उसे मार देगा, और अगर वो यहाँ नहीं आया तो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों से वो मर जाएगा, और फिर हम सारी दुनिया में फैला देंगे अंधेरे का साम्राज्य। चलिए जीजे, आपके टाउन हॉल पहुंचने का समय हो गया है। सचमुच ये जेजे का शरीर हमारे बहुत काम आ रहा है। चलो इसका मतलब जेजे असल में जेजे नहीं है। शक्तिमान जिसे आप लोग अपना रहनुमा समझते हैं, आज वही शख्स आप लोगों की मौत का सबब बन चुका है। देखिए शाम हो चुकी है और अभी तक शक्तिमान का कोई पता नहीं। अब क्यों नहीं आता आपका रहनुमा बनकर? और इस शहर का मेयर होने के नाते मैं उसका शुक्रगुजार भी हूं, उसका एहसानमंद हूं कि मुसीबत के वक्त उसने शहर वालों की मदद की। और चंद सवाल ऐसे हैं जो मेरे अंदर तूफान मचाए हुए हैं, मैं उन्हें आपके सामने रखना चाहूंगा। उस शख्स ने जिन मुसीबतों से लोगों को बचाया, वो मुसीबतें भी तभी आई जब वो शख्स इस शहर में आया। इसके पहले जादुई मुसीबतों का हम लोगों ने कहां सुना था और ना ही इस शहर में किसी ने देखा था। अभी से तो यही समझ में आता है कि सारी मुसीबतों की जड़ कोई और नहीं खुद शक्तिमान है। हो सकता है वो खुद शैतान का बंदा हो और इसी जरिए लोगों में शैतानी खौफ पैदा कर रहा हो। हो सकता है कपाला उसका दूसरा रूप हो। खैर खतरा तो हमारे सर पर है, मगर हम खतरे से डरेंगे नहीं, हम उस शक्ति का सामना करेंगे। और अगर मरने की बात आई तो इस शहर का मेयर होने के नाते उसके सामने मरने सबसे पहले मैं जाऊंगा। नहीं जेजे नहीं, दूसरों को मारने वाला खुद कभी नहीं मरा करता। शहर में तबाही का कारण शक्तिमान नहीं बल्कि ये है। आपका मतलब जीजे साहब? नहीं, जिस जेजे को मैं जानती थी वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन ये जेजे जो आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है असल में जेजे नहीं बल्कि उसके शरीर में घुसा हुआ कोई शैतान है। आप होश में तो हो मैडम? तुम्हें क्या हो गया जुबी? मुझे लगता है शहर में होने वाली तबाही की वजह से तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुकी हो। नहीं, मेरा संतुलन बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जेजे। लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। हाँ भ्रम ही तो हुआ है, मुझे भी और आप सब लोगों को भी। मैं आज तक अपने ही बनाए हुए भ्रम में जीती रही हूँ और तुम सब लोग इसके बनाए हुए भ्रम में फंसकर मरोगे। जेजे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जेजे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जुबी तुम पागल हो चुकी हो, तुम पागल हो चुकी हो, तुम पागल हो चुकी हो। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे यहां से। आप लोग प्लीज, आप सब लोग बैठ जाइए, प्लीज सब लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आप लोग सब प्लीज। कपाला आ गया, कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा शक्तिमान? शक्तिमान ने यहाँ नहीं आकर तुम सबकी मौत को बुलाया है। आ गया शक्तिमान। कपाला तुम मुझे मार के लोगों की जाने छोड़ दो, क्योंकि मैं हूँ शक्तिमान। अबू मैं हूँ शक्तिमान, मुझे मारो। ये झूठ कहता है, मैं हूँ शक्तिमान। शक्तिमान तो मैं हूँ, मुझे मारो। नहीं, नहीं, नहीं।
वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। देखा, तुम्हारे शक्तिमान से ज्यादा हौसला तो इन बच्चों में है। अब तुम सब सुन लो, जब तक शक्तिमान नहीं आएगा तब तक ये कपाला तुम लोगों को हैरान परेशान करता रहेगा। फायर! अभी तुम सब की प्राण वायु खींच लेगा कपाला, तुम सबको मार डालेगा कपाला। रुक जाओ कपाला, मैं आ गया हूँ। शक्तिमान सब रोक दो कपाला। उठो शक्तिमान, लड़ो कपाला से। नहीं, तुम्हारा ये शक्तिमान नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा। हाँ मैं। तो फिर ये कौन है? तुम्हारे भ्रम की तरह ये भी एक भ्रम है। हाँ? देखो। हाँ? हाँ?
शक्तिमान, थैंक यू। मुझे तुम्हारे बारे में और पूछना है। हम फिर मिलेंगे। लेकिन देवी जी, देवी जी, हमने शक्तिमान भैया के सारे छायाचित्र ले लिए सुबह से लेकर शाम तक। रियली? हाँ। फिर तो एडिटर साहब तुमको पत्रकार जरूर बना देंगे। हाँ, यही तो हमारा कमाल है। कबाला के आतंक को खत्म कर शक्तिमान ने यह साबित कर दिया है कि शहर वालों की भलाई ही उसका मकसद है। कबाला के अंत के बाद शहर वाले अमन चैन से हैं। पूरे शहर में शांति छाई हुई है। अंधेरा कायम है, शांति। इस शांति को शांति मत समझना शक्तिमान, ये तो आसार है आने वाले भयंकर तूफान का। जी जी, नमस्ते सर, नमस्ते। जी जी बिल्कुल, आपका काम हो गया सर, मौत का सामान तैयार है। साहेब, सब कुछ हो सकता है अगर ये जनता अपने बस में हो। और ईश्वर की कृपा से ये जनता ईश्वर अवतार के बस में है। आपका काम हो जाएगा। हरिओम, हरिओम। हेलो इंस्पेक्टर जय सिंह। यस सर, जी सर, यस सर, छोड़ दो, आपका काम हो जाएगा सर। मैंने कोई गुनाह नहीं। जी सर, मैं मानता हूँ। नारा भाई कभी अपने काम में फेल नहीं होता है। जी जी साहब, आप कहते हैं तो काम हो जाएगा। अपना शूटर लोग जरा जेल के अंदर बंद है, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कानून का हर खिलाड़ी जानता है जेजे साहब, कि अगर केस मेरे हाथ में आ जाता है तो फिर किसी भी अदालत का कोई भी कानून घुटने टेकने पर मजबूर हो ही जाता है। आपने तो सिर्फ सुना ही होगा कि कानून अंधा होता है, लेकिन लीना हमेशा कानून को कानूनन अंधा साबित करती आई है। फिर जुर्म चाहे जितना भी संगीन क्यों ना हो, किसी भी मुजरिम को बाइज्जत बरी कराने के लिए मेरी सिर्फ एक ही चाल काफी है। अब देखता हूं शक्तिमान कैसे बचाता है इस शहर को तबाही से। और इस शहर का पूरा नक्शा बदल दो। जी भाई। Thank you.
थोड़ी देर और, फिर होगा प्रोफेसर द्वारका प्रसाद के नए आविष्कार सुपर बम का धमाका। अरे दिवाली से भी ज्यादा रोशनी हो जाएगी सारे शहर में, और साथ में तबाही। अरे तबाही में जो लोग बच जाएंगे उन सबको ये विश्वास दिलाना कि ये बम दूसरे धर्म के लोगों ने लगवाया था, ये हमारा काम है। फिर होगी दूसरी तबाही। हरिओ हरिओ। और कुछ नहीं कर पाएगा शक्तिमान। मुझे मेरे 500 सालों की शैतानियत की कसम, आज के बाद शक्तिमान की मौत ही मेरी आजादी का मकसद है। हाँ अपन सच बोलता है साहब, अपन अपनी आंखों से देखा, शक्तिमान इधर आया बम लेकर, बम रखा, मैं बोला शक्तिमान रुक, लेकिन वो गायब हो गया। अपन को लगता है साहब ये पुलिस स्टेशन को उड़ाने के वास्ते बम लाया था क्या? शराब बिंडे, पता चला किस तरह का बम है ये? डिटेल मालूम नहीं पड़ रहा सर, लेकिन इतना जरूर है अगर बम फट जाता पूरा शहर तबाह हो जाता। यानी शक्तिमान ने फिर एक बार शहर को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। जिंदगी में एक बार अपने इस दोस्त से जरूर मिलूंगा, लेकिन वो रहता कहाँ होगा? परमानंद की अभूतपूर्व शक्ति और व्यक्ति का संबंध सीधे ब्रह्मांड से हो जाता है, जहां से उसे सतर्क ऊर्जा मिलती है। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। सत्य को समर्पित इस महायज्ञ में तुम्हारी दी हुई आहुतियां अत्यंत सार्थक सिद्ध हो रही हैं।
सत्य की आभा पुनः अलौकित होने लगी है। निश्चय ही तुम्हारी कर्मठता एक दिन इस संसार से असत्य के अस्तित्व को मिटा देगी। इसी प्रकार सदैव कर्मशील बने रहो। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु परंतु क्या वत्स? एक प्रश्न है जिसका समाधान मैं आपसे चाहूंगा। अवश्य पूछो। गुरुदेव, मैं कब तक यूं एक एक करके पाप के इन पक्षधरों से लड़ता रहूं? क्या यह संभव नहीं कि मैं एक ही साथ पाप के सारे पक्षधरों का संहार कर दूं? मत भूलो वत्स, तुम्हारा लक्ष्य संहार नहीं प्रतिकार है, क्योंकि संहार सृष्टि की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक संहार होने वाले दूसरे संहार का जन्मदाता होता है। परंतु कब तक? आखिर कब तक मैं केवल प्रतिकार करता रहूं गुरुदेव? तुम्हें तब तक प्रतिकार करना होगा वत्स, जब तक असत्य पाप अपने अस्तित्व को भूलकर सत्य में समाहित ना हो जाए। परंतु गुरुदेव, उतावली से बच्चों वत्स, आज कलयुग के प्रभाव के कारण पाप अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। यदि तुमने संहार का सहारा लिया तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करना होगा, क्योंकि आज हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं किसी न किसी अंश में पाप जागृत हो चुका है, और तुम्हारा ये उतावलापन भी कलयुग का ही प्रभाव है। क्या तुम पूरे संसार का संहार करोगे? तुम अपने कर्म में जैसे लगे हो वैसे ही लगे रहो, शांत मन से। अब तक जो तुमने असत्य का प्रतिकार किया है वो निरर्थक नहीं गया है। हजारों लोगों के भीतर असत्य के प्रति लड़ाई करने की जो शक्ति सोई हुई थी वो अब जाग उठी है। तुम इसे इस युद्ध में अपनी विजय का प्रारंभ समझो। परंतु ध्यान रहे, जहां एक और लोगों में सत्य के प्रति आस्था जगी है, वहीं तुम्हारे शत्रु भी और सचेत हो गए हैं। तुम्हें परास्त करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। अपनी शक्तियों में वे वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी अपनी शक्ति में वृद्धि करनी होगी और अधिक सतर्क रहना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लोगों के विश्वास को टूटने मत देना। जो आज्ञा गुरुदेव। सकता किलविश अपनी हार, अंधेरा कायम रखना ही होगा।
लेकिन दुश्मन की ताकत जरूर देखेगा किलविश। नहीं छोड़ेगा किलविश, दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। बस देख ली किलविश ने दुश्मन की ताकत। नई रणनीति बनानी होगी, बनाएगा, जरूर बनाएगा किलविश। जागो जागो किलविश के नुमाइंदों, जागो। जाओ अंधेरे के गुलामों को बुला कर लाओ दुनिया के हर एक कोने से। जाओ जाओ से। जेजे साहब, मंत्री जी ने जो सुझाव दिए वे वाकई अच्छे हैं। जी हाँ, इस शहर का मेयर होने के नाते सबसे पहले जिम्मेदारी मेरी बनती है। जेजे साहब, आप अपने चैनल नेटवर्क के जरिए ऐसे लोगों को जोड़ें जो शक्तिमान जैसी शख्सियत और दूसरे हादसों की जड़ों तक पहुंचने के लिए उतावले रहते हैं। फिक्र मत कीजिए मंत्री साहब, हमारा सबसे पहला कदम यही होगा। अच्छा, हमें इजाजत दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि जूबी को वक्त से पहले ही आपने पागल कर दिया? जरूरी हो गया था, वो वक्त से पहले हमारे बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। अब हमारे चैनल का क्या होगा? चैनल का इस्तेमाल तो अब होगा। सम्राट का बुलावा, अंधेरा खतरे में। तमराज का बुलावा, अंधेरा खतरे में। ये अवतार नहीं है, ये
सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है।